राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया और राज्यसभा सदस्य किरोड़ी लाल मीना को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। राजस्थान बीजेपी की इन दो दिग्गज नेताओं को राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बनाया गया है। इससे कई राजनीतिक संकेत और संदेश दिए जा रहे हैं। बीजेपी को राष्ट्रीय कार्य समिति में कुल 80 सदस्य होते हैं, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। सतीश पूनिया और किरोड़ी लाल मीना से पहले राजस्थान के कई और नेता इस कार्यकारिणी के सदस्य हैं। मगर चुनाव से पहले इस नियुक्ति को कई मामलों में खास माना जा रहा है, क्योंकि सतीश पूनिया को बीजेपी अध्यक्ष पद के कार्यकाल खत्म होने के बाद से उपनेता की जिम्मेदारी दे दी है। मगर इसका कोई खासा असर नहीं दिख रहा है। पिछले दिनों राजस्थान में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के तीन बड़े नेताओं के दौरे हुए, उसके बाद से सतीश पूनिया और किरोड़ी लाल मीणा के नाम की चर्चा खूब हुई। यह नियुक्ति अब उसी का परिणाम बताया जा रहा है। बता दें कि राजस्थान बीजेपी में पिछले 35 सालों से लगातार सतीश पूनिया काम कर रहे हैं और उन्हें संगठन में लगातार कई जिम्मेदारी भी दे दी गई है। मगर इस चुनाव में बीजेपी के लिए सतीश पूनिया अहम हो गए, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद से उन्होंने पूरे प्रदेश में लगातार दौरे किए। आदिवासी क्षेत्रों में जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही आदि में उनका खूब दौरा रहा है। उन्होंने कई जिलों में पैदल यात्राएं भी की हैं। इससे उनकी पकड़ आदिवासी क्षेत्रों में मजबूत मानी जा रही है। इसके साथ ही उन्हें किसान क्षेत्र में भी मजबूत माना जा रहा है। अध्यक्ष के पद से हटने के बाद से जाटों ने भी इनका जोरदार समर्थन किया है। इन तीन बड़ी जातियों के वोटर्स पर बीजेपी की नजर गड़ी हुई है। वहीं किरोड़ी लाल मीना ने पिछले कई महीनों से जिस तरीके से अशोक गहलोत सरकार से खूब आमने सामने लड़ाई लड़ी है, उनका यह प्रतिफल माना जा रहा है। पूर्वी राजस्थान में बीजेपी ने अपनी और मजबूत पकड़ बनाने के लिए मीना को यह जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर यहां पर चुनाव संचालन समिति और केंद्र में संगठनात्मक बदलाव के साथ ही मंत्रिमंडल फेरबदल की बात बताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि इन दोनों मामलों में इन दोनों नेताओं की एंट्री हो सकती है, जिसका परिणाम भी जल्द आने वाला है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।